मायरा फैशन, स्वामी कॉम्प्लेक्स, अनवेगा मॉल, अजमेर। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि कल गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष भाई विकास गोरा अपने प्रांत पे बैठे थे, तो रात को जब इतनी सर्दी थी और प्रचार है अपने घर पे सो रहे थे कम्बल ओढ़ के, लेकिन उनकी महाविद्यालय के रेगुलर छात्र बाहर सड़क पर पिस्तल लगा के सो रहे हैं। उन्हें कतई शर्म नहीं आ रही है कि इन छात्रों की मांग को मानी जाए और इस भूख हड़ताल को समाप्त करी जाए। रात भर से विकास गोरा के साथी कार्यकर्ता, विकास गोरा की तबियत काफ़ी नाजुक हो गई है, जिसके लिए अभी प्रशासन इनको ले जा रहे हैं मेडिकल के लिए। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भी यथावत हमारा धरना रहेगा और जब तक प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगा तब तक हमारा धरना चालू रहेगा। तीन जने बैठे हैं जिसमें दो जनों की तबियत अभी नाजुक हो गई है और अभी जा रहे हैं मेडिकल के लिए, वहाँ जाकर के बाकी की रिपोर्ट पता पड़ेगी। इस प्रकार से अगर आज हमारी बात नहीं मानी जाती है तो फिर कल अजमेर महानगर के जो कार्यकर्ता हैं वो भी धरने में बैठेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे। अभी तीन बैठे हैं, फिर कल 30 बैठेंगे, फिर 300 बैठेंगे। ये चेतावनी है महाविद्यालय के प्रशासन को कि छात्रों की मांग को मानी जाए। वाजिब मांगे हैं, एक अनुमति, एक तिथि देने की बात चल रही है, लेकिन प्रचारी काल में रून झोंक रही है। बेचारे रात को घर पे कम्बल ओढ़ के सो रहे हैं, लेकिन उन्हीं के मैं बताना चाहूँगा, रात को इतनी ठंड में बेचारे सब जो छात्र हैं वो बाहर सो रहे हैं, बेचारे ने आकर के उनसे इनकी तबीयत ही नहीं पूछी है। इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है और हमारा यही आग्रह है मीडिया कर्मियों से, प्रशासन से, कि जो भी हमारी मांगे हैं वाजिब मांगे हैं, कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई जारी रहेगी हमारी। मैं गलत प्रदेश से मंत्री ये भी मन में वस्तु स्थिति मैं आपको बताना चाहूँगा। छात्र संघ अध्यक्ष से दिसंबर 23-24 दिसंबर को हमारी वार्ता हुई और उस वार्ता में यह आया था कि जनवरी के द्वितीय सप्ताह या चतुर्थ सप्ताह में छात्र संघ का उद्घाटन कराया जाएगा। महाविद्यालय शरद शीतकालीन अवकाश के पश्चात 1 जनवरी को खुले थे और 3 जनवरी को इसने मेरे से संपर्क किया था, तो हमने कहा कि 3 जनवरी से 9 जनवरी तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाएँ महाविद्यालय में आयोजित की जा रही हैं और इस हेतु हमारे आयुक्तालय से निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस अवधि में कोई कार्य नहीं होगा, अतः 3 से 9 तक उद्घाटन कराना संभव नहीं था। इस हेतु हमने मीटिंग RPSC एग्ज़ाम के बाद 10 तारीख को दोपहर 3 बजे रखी है, जिसमें हमारे चारों वाइस प्रिंसिपल, डीन ऑफ स्टूडेंट, 22 HOD, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट और छात्र संघ के चारों पदाधिकारी, जो कि निर्धारित प्रक्रिया है कि उद्घाटन की तिथि तय करते हैं और अतिथि का नाम तय करते हैं। कल जब ये भूख हड़ताल पर बैठे, ADM City से जब मुझे सूचना मिली तो हमने उनको रिप्लाई उसी रोज़ दे दिया था कि वस्तु तिथि से अवगत करा दिया था और इस छात्र को भी हमने ये अवगत करा दिया कि हम मीटिंग 10 को कर रहे हैं, जिसका मैसेज भी कल इसके व्हाट्सएप पर प्रातः ही डाल दिया गया था, और इस तारीख को मीटिंग में ये कार्यक्रम, जो कि निर्धारित प्रक्रिया है, उसके अधीन पूरी होगी। आज हमने आयुक्तालय से संपर्क पुनः किया तो उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि पंचायत चुनाव राज की इलेक्शन हेतु आचार संहिता लगी हुई है, अतः आप 11 से 15 के मध्य छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जिलाधीश से पूर्व अनुमति लेनी होगी। तो माननीय जिलाधीश महोदय एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अजमेर जिला पंचायत चुनाव 2020 को हमने पत्र द्वारा अवगत करा दिया गया है कि ये हम आयोजन 11 से 15 के मध्य करना चाहते हैं और इस आयोजन के लिए आप हमें अनुमति प्रदान कर अनुग्रहित करें। दूसरी बात जो आयुक्तालय से हमें निर्देशित की गई है कि चुनाव आचार संहिता होने के कारण कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति या राजनीतिक दल से संबंधित किसी भी संगठन का व्यक्ति महाविद्यालय में नहीं बुलाया जाएगा, तो आदर्श आचार संहिता के तहत यह सूचना भी हमने माननीय जिलाधीश महोदय, हमारे आयुक्त महोदय और JD जिनसे हमारी बात हुई थी आयुक्तालय में, और ADM City, पुलिस अधीक्षक अजमेर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, थानाधिकारी, सहायक निदेशक, छासंग अधिष्ठाता और छासंग पदाधिकारियों को व्हाट्सएप करके सूचित कर दिया है। तो छासंग पदाधिकारियों को भी ये ज्ञात है कि इन दोनों कारणों से, एक तो कलेक्टर महोदय हमें 11 से 15 के बीच में अनुमति देंगे तो हम ये आयोजन कल की मीटिंग, जो 10 तारीख को मीटिंग होनी है, उसमें निर्धारित कर लेंगे कि कौन सी तिथि को कराया जाना है। सर, इसके पश्चात भी आज भूख हड़ताल पर बैठे हो, अगर ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं तो इसमें जब ये सूचनाएं हमने इनको लिखित में दे दी है कि 11 से 15 के बीच में हम करा रहे हैं और जो मुख्य अतिथि है या अन्य अतिथि है वो कोई भी राजनेता नहीं होगा, क्योंकि आदर्श आचार संहिता चल रही है,
तो इसका कोई औचित्य नहीं लिया जाता है। और यह पत्र हमने माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजमेर जिलाधीश को भी दिया है, जिसकी प्रति सभी को दे दी गई है और इनको भी दे दी गई है। सर, आज विकास गोरा की तबीयत खराब हो गई, और विकास गोरा की जहाँ तक तबीयत खराब होने का बात है तो वे भूख हड़ताल पर कल बैठे हैं। अगर उनका शारीरिक स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है, जिसके लिए हमने इनसे पहले रिक्वेस्ट भी की थी कि ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जो महाविद्यालय की गरिमा को भी ठेस पहुँचाए और जिसका उचित कारण नहीं है। जब मीटिंग पहले से डिसाइडेड है कि 10 जनवरी को होनी है और वो मीटिंग में ही सभी हमारे जो 31 मेंबर इन पदाधिकारियों सहित हैं वही सभी निर्णय लेने के लिए अधिकृत है, तो उस मीटिंग में इनको आना चाहिए। और डेट के लिए हमने जिलाधीश महोदय को लिख दिया 11 से 15 के बीच होगी, और जो भी इस मीटिंग में अतिथि तय होगा जो कि राजनीतिक या राजनीतिक व्यक्तियों से जुड़ा हुआ नहीं होगा वह आचार संहिता के अनुसार निश्चित किया जाएगा। और इसमें छात्रों का जो भी दृष्टिकोण है उसको पूरे हमारे जो अधिकारी है इस मीटिंग में वो ध्यान में रखेंगे। सर, विकास गोरा ने कल आप पे आरोप भी लगाया, आप कांग्रेस के दलाल हैं। ये आरोप तथ्यहीन है। मैं महाविद्यालय में प्राचार्य की हैसियत से कार्य कर रहा हूँ और इलेक्शन में भी इन्होंने मेरे पर आरोप लगाए, और जब ये इलेक्शन जीत गए तो वो आरोप अपने आप ही गलत साबित हो गए। विकास गोरा जीत गया, उसने कहा था कि इस प्राचार्य के होते हुए मैं जीत नहीं सकता हूँ, और जब मैंने अपने पूरे निष्पक्ष चुनाव कराए हैं तो विकास गोरा अध्यक्ष पद पर आसीन है। और आज भी जो ये आरोप लगा रहे हैं ये पता नहीं किस दुर्भावना से या किस दृष्टिकोण को रखकर लगा रहे हैं, मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन प्राचार्य के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को मैं साथ लेकर इसके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करूं। और इसके लिए जब विकास गोरा पर मुकदमा दर्ज हुआ था तो भी हमने छात्र हित इसके हित को ध्यान में रखते हुए उस मुकदमे को वापस लेने की कार्यवाही भी विकास गोरा के हित में की है। तो ये मेरा कोई न तो राजनीतिक दृष्टिकोण है, हम जो भी काम करते हैं विद्यार्थियों के हित में करते हैं और विद्यार्थी हित ही हमारा परम ध्येय है। सर, परिसर के बाहर बैठना उचित है? परिसर के बाहर बैठना उचित नहीं है, लेकिन इनको समझाया गया, ये नहीं माने तो परिसर के बाहर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पुलिस और जिला प्रशासन के तहत आती है।